हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं संदीप कुमार, आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ, जिसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज हम दोस्तों इस वीडियो में आपके कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे गाइस, जिसमें कुछ ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं, इसको थोड़ी कमी इसकी रखूंगा। लेकिन देखिए, एक अच्छा होस्ट, एक अच्छा यूट्यूबर वही होता है जो आपके हर एक डाउट्स को क्लियर करे। वीडियोज बहुत बनती है यूट्यूब पे, किसी के बहकावे में मत आइएगा। ओके, तो देखिए मैं आपका जस्ट मैं लेते वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे आईटीबीपी कोस्टल ड्राइवर के बारे में हम बात करेंगे। जिन मेरे फ्रेंड्स ने फॉर्म भरा है, जिनका रिटन टेस्ट पास हो रखा है, उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो आपको गाइस वीडियो पूरा देखना, आपको वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपकी टोटल पोस्ट की बात करें, इसमें आपकी टोटल पोस्ट है 134, मतलब 134 पोस्ट है। कई दोस्त में जो मुझे कमेंट करके कह रहे थे, सर इसमें कि मतलब कितने गुना बच्चे पास किए गए हैं। मैं इसके बाद आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ गाइस, इसमें आपके 10 गुना बच्चे पास नहीं किए गए हैं। इसमें 35 और 33 से जितने भी ऊपर नंबर थे जिनके, उन सबको पास कर दिया गया है। ठीक है, अब फिलहाल की जो बात है उनको पास कर दिया गया। तो आपकी जो मेरिट लिस्ट है गाइस, मतलब कम नहीं जाएगी, हाईएस्ट ही जाएगी। कई कुछ सोच रहे हो कि हमारा 30-35 सिलेक्शन हो जाएगा, तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है। 30-35 सिलेक्शन किसी का भी नहीं होगा, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, अगर आपके 40 नंबर तक भी हैं तब भी आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, आपको कड़वी लगेगी, लेकिन भाई सच बात है यार। ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना भाई, जो बात सच होनी चाहिए वही बोलनी चाहिए, किसी को मतलब बहकावे में नहीं रखना चाहिए। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखिएगा इसे, आपका फर्स्ट सवाल देख लेते हैं, वैकेंसी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। कई दोस्तों का मतलब प्रश्न आता है कि सर इसमें वैकेंसी बढ़ सकती है नहीं बढ़ सकती है, हमें कुछ बताइए इसके बारे में। तो गाइस देखिए, वैकेंसीज आपकी कब बढ़ती हैं, जैसे कि आप एसएससी को मान लो, कि एसएससी जो पेपर करा मतलब लेती है, कंडक्ट करवाती है, एसएससी सीजीएसएल को ले लो या फिर एसएससी जीडी को ले लो, उसमें आपकी मतलब कि वैकेंसीज बढ़ी थी, अभी बढ़ी हुई थी हाल ही में। ठीक है, तो आपकी बाद में बढ़ी थी, इसमें वैकेंसी आपकी काफी ज्यादा थी, उसमें फिजिकल था। ठीक है, तो आपका इसमें जो भी आपका इसमें होगा, क्या कहते हैं, इसमें आपका जो ट्रेड टेस्ट इसमें होगा, आपकी स्किल टेस्ट, उसमें ज्यादा बच्चे बाहर नहीं होंगे, कम से कम होंगे। लेकिन एसएससीजीडी फिजिकल में गाइज काफी बच्चे बाहर हो जाते हैं, उन मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं, क्योंकि एसएससीजीडी का मेडिकल फिर भी हार्ड लेवल में होता है। लेकिन इस जो आपकी वैकेंसीज में अब बात कर रहा हूँ इसके बारे में, आपका इसमें कुछ भी हार्ड नहीं, सब कुछ मीडियम होगा। तो गाइज आपकी वैकेंसीज में नहीं बढ़ सकती, क्योंकि इसमें मतलब वैकेंसी उस चीज में बढ़ती है जहां पे बच्चे ज्यादा फेल होते हैं, ज्यादा इसमें बच्चे फेल नहीं होंगे। अगर फेल होंगे तो गाइज ज्यादा मेरिट लिस्ट में बाहर निकलेंगे बस। ठीक है, आपका डाउट था मैंने क्लियर कर दिया है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपके नॉर्मलाइजेशन के बारे में गाइज, आपके इसमें नंबर बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। देखिए गाइज, आपका नंबर कब बढ़ते हैं आपको पता ही होगा, जब आपका पेपर कई शिफ्टों में चलता है, जैसे कि आपके पेपर मतलब पूरे एक महीने चले और अलग अलग शिफ्ट में पेपर हुए, आपके कई पेपर हार्ड हुए, कई मतलब नॉर्मल हुए, तो कोई मतलब पेपर मीडियम हुआ, तो उस मतलब उस सिचुएशन में आपके नंबर बढ़ते हैं, ठीक है, या फिर घटते हैं, आपको पता ही होगा। लेकिन आपका ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, आपका पेपर ज्यादा दिन बिल्कुल भी नहीं चला है। ठीक है, एक ही बार आपका पेपर फिनिश हो गया था, तो आपका इसमें नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। कई मेरे फ्रेंड्स हैं जो वेट कर रहे हैं कि सर हमारे नंबर कम है, शायद इंक्रीज हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है गाइज, जैसा आपने पेपर दिवा पे दिया होगा वैसे आपको अपना रिजल्ट आगे मिल जाएगा। ठीक है, ये भी आपका डाउट है जो मैंने क्लियर कर दिया है, तो प्लीज किसी के बहकावे में मत आइएगा। यूट्यूब पे वीडियो बनती रहती है, तो उन पे ध्यान ना दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, मेरिट लिस्ट ज्यादा जाएगी या कम जाएगी। काफी मतलब बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर मेरिट ज्यादा जाएगी या फिर कम जाएगी, मतलब हमारा होगा या नहीं होगा। देखिए गाइज, ये सिर्फ आपको, देखिए आपने पेपर दिया, आपको खुद पता है आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, आपको पता अपने बारे में, आपने पेपर कैसा किया वहां पे, आपको खुद पता आपको सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। कि मेरे स्टूडेंट के मतलब मुझे कमेंट आता है, सर मेरे नंबर 86 हैं, 75 हैं, तो यार आपका सिलेक्शन श्योर है यार, आपको किस चीज की जरूरत है बताओ मुझे। ठीक है, आप फिर भी मुझसे क्वेश्चन पूछते हो सर होगा या नहीं होगा। और यार देखिए, अगर आप 40 से 45% पे मान रहे हो सिलेक्शन होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी मेरिट है जो गाइज हाई मतलब हाई जाने वाली है। अगर आपको नहीं पता आपकी मेरिट लिस्ट कितनी जाएगी, मैंने उसके लिए कट ऑफ आपकी डाल रखी है अपने चैनल पे, तो आप देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप आराम से चेक कर सकते हो आपकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है। ठीक है, तो आराम से देख लीजिएगा। और ये मतलब इसमें मत रहेगा कि वैकेंसी बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, वैकेंसीज नहीं बढ़ने वाली है गाइज, क्योंकि इसमें आपका सब कुछ नॉर्मल है, वैकेंसीज नहीं बढ़ेंगी। ओके, आपके सब मैंने डाउट क्लियर कर दिए हैं। देखिए आज एक अच्छा होस्ट वही होता है जो आपके सभी डाउट को क्लियर करे। अगर मैं भी मतलब आपके लिए वीडियो ना बनाऊं, आप डाउट में रहो, तो यार मुझे अच्छा नहीं लगेगा भाई। मैं आपके लिए बहुत मतलब मैं चाहता हूं मेरे सब भाई इसमें लग जाएं, और कोई भी ऐसा स्टूडेंट ना बचे जिसको कुछ पता ना हो। आपको हर एक डिटेल के बारे में पता होना चाहिए, आपकी वैकेंसीज इंक्रीज होगी या नहीं होगी, नंबर बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, स्किल टेस्ट कैसे पास करना है, कैसे मतलब सब कुछ आपको पता होना चाहिए। और उसके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाता रहता हूँ, आप चेक कर लीजिएगा मेरे चैनल पे, मैंने स्किल टेस्ट के ऊपर वीडियो बना रखी है, आपकी कट ऑफ के ऊपर वीडियो बना रखी है, आराम से चेक कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो दोस्तों इतना ही था।
दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और जो मेरे भाई बंधु उन चैनल पे नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बेहतरीन वीडियो बनाता रहता हूँ गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर ले, नीचे आपको एक बटन दिखेगा सब्सक्राइब का रेड कलर में, तो आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है और अपना बेल बटन भी जरूर ऑन कर लेना दोस्त, ताकि मैं जो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो आपको चैनल सब्सक्राइब एंड बेल बटन भी जरूर ऑन कर लेना है। और फ्रेंड्स अगर आपको कुछ डाउट लगता है वीडियो में, प्लीज मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जवाब पक्का दूंगा। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना हो, प्लीज मुझे बेझिझक होकर आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। आप देख लीजिएगा दोस्तों, मैं हर एक कैंडिडेट का रिप्लाई जरूर करता हूँ, ठीक है, मैं हर एक कैंडिडेट का रिप्लाई जरूर करता हूँ। प्लीज मुझे कमेंट कर सकते हो, आपको कुछ भी डाउट लगता है किसी भी गवर्नमेंट जॉब के बारे में, कुछ भी पूछना हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आपका जवाब पक्का दूंगा दोस्तों। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, फैमिली का भी ध्यान रखिएगा और घर से बाहर मत निकलिएगा। जो कोरोना वायरस चल रहा है उसके चलते मैं आपको ये सब बोल रहा हूँ, तो प्लीज गाइज अपना ध्यान रखिएगा, हैप्पी रहिएगा और फैमिली का ध्यान रखिए, अपना भी खुद का ध्यान रखिएगा। एंड थैंक यू सो मच।